नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे। और आज है सोमवार, तो सोमवार को हम पशुपति व्रत उठाए हैं। पशुपति व्रत, ये व्रत 5 सोमवार किया जाता है और ये मेरा आखिरी है, मतलब उद्यापन है आज मेरा, सोमवार का लास्ट सोमवार है। तो ये व्रत का विधि, ये व्रत कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी, इसका सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगी डिटेल्स। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा और जो न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए बताते हैं पशुपति व्रत के बारे में। ये व्रत भगवान भोलेनाथ के लिए किया जाता है और ये व्रत जो सच्चे मन से करता है उसका सारा मनोकामना पूरी हो जाती है। इसके लिए भी आप ये व्रत करेंगे वो आपका जरूर 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 सफल। अगर आप अच्छे मन से सच्चे मन से करते हैं तो बाबा जरूर आपके सुनेंगे दुख। तो पहले आपको पूजा के लिए मंदिर जाना है और जो मंदिर जाएंगे, जहाँ भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय बोलते हैं उसको, आप 5 सोमवार वही मंदिर जाना है आपको, मंदिर को नहीं चेंज करना है। और पूजा में आपको जो सामग्री लगेगी उसमें से आपको सामग्री के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि आपको सारी आप जो भी चंदन धूप दीप जो भी लेना है लेंगे, और इसमें जो थाली आप मंदिर सुबह ले जाएंगे वही थाली आपको शाम को भी लेना है, और वही पूजा सामग्री को आपको बचा के शाम को फिर वही भगवान जी को चढ़ाना है। ये नहीं कि आप सुबह एक बार ले गए तो फिर आपको थाली सजा के दूसरी बार लेना है शाम को, वही थाली आपको शाम को भी लेना है। तो देखिए आती है बदमाशी कर रही है। और ये सब पूजा सामग्री हुआ आपका, सुबह पूजा करके आप आ गए भोलेनाथ को जल चढ़ा के, उनके श्रृंगार करके, उसके बाद आपको शाम को जाना है मंदिर, शाम को आपको लेना है 6 दिए लेना है, उसको आपको मंदिर में निकालना है, 6 दिए आपको सजाना है और उसमें आपको सिर्फ 5 दिए जलाने हैं और 1 दिए सिर्फ आपको जलाना नहीं है। उसके बाद आप जो प्रसाद शाम को बना के ले जाएंगे, प्रसाद में आपको कुछ भी मीठा बना के लेना है, हलवा, सूजी का हलवा, चाहे खीर या बेसन का हलवा, आटे का हलवा, आप कुछ भी ले जा सकते हैं अपना पसंद के, और वो भोग आपको सिर्फ अपने खाना है, किसी के साथ आपको बांटना नहीं है। जो प्रसाद आप मंदिर ले जाएंगे भर के घर में ही, और मंदिर में आपको 3 हिस्से करना है और उसको भगवान के सामने पूजा करके, उनको सारा पूजा का जो सामग्री आप लिए हैं चढ़ा के, उनको श्रृंगार करके धूप दीप दिखाएंगे, उसके बाद भगवान को आप दिए जलाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, उसके बाद भगवान के सामने प्रसाद लगाएंगे, और प्रसाद को आपको 3 हिस्से करने हैं। उसमें से 2 हिस्से आपको भगवान जी का मंदिर में छोड़ना है और 1 हिस्सा घर को ले आना है। और आपका 1 दिया जो आप जलाए नहीं है 6 दिए से, और 1 दिया आप अपनी थाली में रखेंगे और प्रसाद में रख लेंगे, और जब घर आएंगे उसके बाद आप वही जो दिया लाए हैं थाली में उसको आप घर के द्वार में दाहिने साइड में उसको जलाना है, दीपक जला के उसके बाद आपको घर के अंदर प्रवेश करना है, और उसके बाद आप जो भी प्रसाद बनाए थे उसको खाना है और भोजन करना है। इस व्रत में आपको 1 बार भोजन जरूर करना है, तभी आपका व्रत का सफल होगा यानी पूर्ण होगा। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, आइए देखते हैं। और ये देखिए मैं अपनी थाली को रेडी कर ली हूँ और इसमें हम पूजा के जो सारी सामग्री है उसको रख लिए हैं, जैसे कि देखिए इसमें कच्चा दूध है और ये भगवान भोलेनाथ का प्रिय अरक का फूल है, और ये सुबह हम मंदिर ले जाएंगे तो इसमें प्रसाद लेने के लिए हम 1 केला लिए हैं और कुछ बेलपत्ती रखे हैं, सामी पत्ता रखे हैं, और ये दूब घास है जो गणेश जी को लगता है। उसके बाद इसमें चावल लिए हैं और ये कपूर। तो हम आपको इस पूजा में हम जो थाली ले जाएंगे वो थाली दोनों सुबह और शाम को लिया जाता है, उसी थाली से ही शाम को भी पूजा किया जाता है। तो ये देखिए हम शहद रखे हैं और ये जनेऊ रखे हैं, ये रोली धागा है और 1 सुपारी है, 2 लौंग है, 1 लौंग हम सुबह प्रसाद में चढ़ाएंगे, इलायची है। तो सुबह शाम का भी जो हम थाली ले जाएंगे इसी को एक ही साथ हम रेडी कर लिए हैं। और देखिए ये है चंदन है, हल्दी है, उसके बाद है सिंदूर है, और ये है अबीर है जो भोलेनाथ को चढ़ाएंगे, कुमकुम है, सिंदूर है, हल्दी है, चंदन है, और ये देखिए ये पीला सिंदूर है जो गोरा माता को चढ़ेगी। उसके बाद आप
ये चढ़ाएंगे, ये इत्र है, थोड़ा सा इत्र डालेंगे, धूप है, दिया रख लिए हैं, और ये अगरबत्ती है, और कुछ सामग्री हम बाद में रखेंगे, पंचामृत दही जमाए हैं, पंचामृत ले जाएंगे और फूल ले जाएंगे और थोड़ा सा, और शाम को जो हमारी थाली ले जाएंगे उसमें सिर्फ 6 दिया अलग रखा जाएगा, उसको शाम को ले जाएंगे 6 दिया, और एक प्रसाद बनाएंगे शाम को, कुछ भी मीठा हलवा उसको हम शाम को बनाएंगे और वो थाली में रख के शाम को मंदिर ले जाएंगे, उसको फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। और देखिए मैं अभी मंदिर आ गई, ये सुबह के बज रहे थे 9 और मंदिर आ गई हूँ। आज सोमवार है इसलिए मंदिर में थोड़ा सा भीड़ है, अभी बहुत लोग पूजा करके चले गए हैं सुबह से। पहले भोलेनाथ को स्नान करा देंगे, शिवलिंग को अच्छा से स्नान करके उसके बाद यहाँ पर पादुका लिए थे, पादुका जल चढ़ाते हैं उसके बाद पादुका लेते हैं, घर में सबको देते हैं थोड़ा थोड़ा। भगवान जी को स्नान करने के बाद उसके बाद उनको उनका बेलपत्ता भी ले लेते हैं खाने के लिए। तो पहले स्नान करा देंगे उसके बाद उनका श्रृंगार करेंगे। शिवलिंग पर पूजा कर लिए अंदर में, भगवान जी का स्नान करा लिए, भगवान जी का श्रृंगार भी कर लिए हैं, जो चीज़ लाए थे सब चढ़ा दिए हैं भोलेनाथ को। अभी बाहर में नंदी बाबा को भी थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं और मंदिर में फेरा ले लेंगे। उसके बाद बाहर में जितने भी मंदिर हैं, जगन्नाथ जी का मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर है और पीपल का पेड़ है, उसको पूजा कर लेंगे, उसके बाद घर चलेंगे। छह दिए रख लिए हैं मंदिर के लिए, कुछ फूल ले लिए हैं वही थाली में, और ये नारियल, आज मेरा उद्यापन है इसीलिए नारियल ले जा रहे हैं, और ये प्रसाद में खीर बनाए हैं, और वही जो पूजा का सुबह लिए थे सामग्री वही सब है। और अभी चले हैं मंदिर चलते हैं, और आज उद्यापन के दिन आप भोलेनाथ को प्रार्थना करेंगे कि आज मेरा उद्यापन है, मुझे क्या क्या लेके जाना है, और उद्यापन है आज मेरा पूजा में कोई भूल चुक हो गई हो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, भोलेनाथ को प्रार्थना करिएगा। आज उद्यापन है तो आप पहले भोलेनाथ को प्रार्थना कीजिएगा कि आज मेरा उद्यापन है और मेरा पूजा में कोई भूल चुक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, प्रार्थना करना है। और उसके बाद आप अपना सामर्थ्य से दक्षिणा भी चढ़ा सकते हैं, 151 अब जितना भी 101 111 151 जितना भी आपका सामर्थ्य आप दक्षिणा चढ़ाएंगे, उसके बाद भोलेनाथ को प्रार्थना करके वापस आइएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे। और ये देखिए अभी हम यहाँ पर दिए भी निकाल लिए हैं, भगवान जी का श्रृंगार कर लेंगे, और यहाँ पर और भी काफ़ी लोग पशुपति व्रत कर रहे हैं, उन लोग भी आए हैं। तो भगवान जी का देखिए कितना सुंदर श्रृंगार हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए तीन जगह प्रसाद लगा रहे हैं, और 108 मूंग की दाल या चना दाल चावल या बेलपत्ता भगवान जी को ओम नमः शिवाय जाप करके चढ़ाना है, उद्यापन के दिन करना है उसको।
अभी हमने भगवान जी का श्रृंगार कर दिया है, सब चढ़ा दिए हैं भगवान जी को, और उसके बाद हम यहाँ प्रसाद भी लगा लिए हैं खीर का, और नारियल चढ़ाएंगे, उसके बाद दक्षिणा देंगे भगवान जी को। और हमने गोटा मूंग 108 गोटा मूंग डाला है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके 108 बार, और भगवान जी को उसके बाद प्रार्थना करना है, क्षमा प्रार्थना करना है, पूजा में कोई भूल चूक होगी तो माफ़ करना है बोल के। और अभी आरती हो रहा है, ये संध्या का टाइम था, उसके बाद आपको जब घर जाना है, घर के दाहिने घर का प्रवेश करने से पहले आपको घर का दाहिने साइड में दीपक जलाना है, उसके बाद घर का अंदर प्रवेश करना है। और आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड, फिर मिलूँगी आपसे नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।